और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता दें, वेब सीरीज तांडव से विवादित सीन हटाए जाएंगे। तांडव पर विवाद के बाद प्रोड्यूसर्स ने फैसला लिया है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जो सीन हैं वो इस वेब सीरीज से हटाए जाएंगे। आपको बता दें कि तांडव में कई सीन्स ऐसे थे जिस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, और इसके बाद मांग उठ रही थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेटर तक लिखे गए थे कि इस वेब सीरीज को बैन कर दिया जाए। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से माफी मांगी गई थी, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि वो सीन जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उन्हें इस सीरीज से, तांडव वेब सीरीज से हटाया जाएगा। जो सीन आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं सीन्स को लेकर आपत्ति थी। इसमें जो डायलॉग्स बोले गए थे उन डायलॉग्स को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। जिस तरह की भाव भंगिमा कलाकार इन सीन्स में कर रहा है उसको लेकर आपत्ति थी कि वो भगवान शिव का अपमान है। जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए थे उसमें भगवान राम के अपमान का भी आरोप लगा था, जिसके बाद लगातार विवाद हो रहा था। लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए, और फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि जो भी ऐसे डायलॉग्स हैं उन्हें हटाया जाएगा। और अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनके पास चल रहा हूं। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, और तांडव में जो सीन्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, उनको कहा जा रहा था कि ये सनातन परंपरा का अपमान है, और अब इनको हटाने का फैसला लिया गया है डायलॉग्स को। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, इस पर मामले पर जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में विरोध चल रहा है, और मुंबई में खासतौर से, चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार राम कदम जो बीजेपी के नेता, कई सारे अन्य लोग लगातार जमकर विरोध कर रहे हैं, और यूपी में आपने देखा कि 2 जगहों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और यूपी की पुलिस कभी भी मुंबई पहुंच सकती है, तमाम आगे की जांच पड़ताल कर सकती है। देखिए, अपने ऊपर लगातार आफत आते हुए देख कहीं कहीं इस जो वेब सीरीज के लोगों द्वारा बकायदा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो विवादित जो सीन है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, उसको हटाते हैं, और उसके बकायदा उस बारे में एक ट्वीट किया गया है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। यानी साफ है, जिस तरह के तांडो को लेकर जो देश भर में तांडो छिड़ा हुआ है वह कहीं कहीं रोकने का प्रयास है, लेकिन अभी अभी जब इसके जब इनका बयान आया है यानी तांडो की तरफ से, उसके बाद राम कदम जो बीजेपी के नेता है उनका साफ कहना है कि अभी भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किया है वह उन्हें गिरफ्तार कराए बिना वो दम नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ महाराष्ट्र सरकार पर साथ साधा है कि महाराष्ट्र सरकार यानी मुंबई पुलिस इस मामले पर अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है, उन लोगों को खुलेआम घूमने दे रही है, तो कहीं कहीं उनका अभी भी ये मांग है कि इस पूरे मामले पर मुंबई में एफआईआर दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस बात को यानी कि अभिषेक, अगर मैं ये कहूं कि ठीक है मामला खत्म हो गया, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पहले माफी मांग ली थी और अब प्रोड्यूसर इस बात पर राजी है कि फिल्म से वो सीन, वो डायलॉग्स हटा दिए जाएंगे, लेकिन राजनीति अभी चालू रहेगी आगे इस पर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति बिल्कुल जमकर होने वाली है, क्योंकि देखिए यूपी में जो 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो मुंबई पुलिस मुंबई के पास कभी भी वो पहुंच सकते हैं और उन लोगों से लगातार पूछताछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर रद्द नहीं हुई है, तो जांच तो लगातार बिल्कुल जमकर चलने वाली है। और चूंकि और महाराष्ट्र सरकार यानी मुंबई पुलिस इस मामले पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिस बात को लेकर लगातार बीजेपी के नेता राम कदम इस पूरे मामले पर आज दिन भर भूख हड़ताल पर बैठे रहे, उनका आगे भी कहना है कि आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा, तो यानी अभी भी बक्सरे के मूड में नहीं है, और यह साफ समझ में आ रहा है कि आगे भी इस पूरे मामले पर जमकर मांग की जाएगी कि इनको लोग गिरफ्तारी की जाए। यानी अब जो मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी हो तभी इस पूरे मामले पर लोगों को सुकून मिलेगा, और जिस तरह से लोगों की भावनाएं भड़काई गई हैं कम से कम वह लोगों को समझ में आएगा जो जिस तरीके से इन्होंने वेब सीरीज बनाकर मजाक उड़ाया था। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पूरी जानकारी के लिए। तो वेब सीरीज से विवादित सीन्स को हटा दिया जाएगा, वेब सीरीज से डायलॉग्स हटा दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी मांग ये की जा रही है कि फिल्म से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों की आपस में भिड़ंत हो गई, और फिर देखते ही देखते ये इलाका किसी अखाड़े में तब्दील हो गया। हाथों में डंडे लिए लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। हालांकि पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हुए। भिड़ंत में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई और कुछ को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देसी बम से भी हमला किया गया, लेकिन ये बवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। बड़ी तादाद में जुटे लोगों ने लाठी और डंडे लेकर सड़क से जा रहे कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया।
मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे थे, उसी वक्त ये भिड़ंत हुई। दोनों ही तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर डंडे से हमला बोला, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भीड़ ने आसपास की दुकानों पर भी हमला कर दिया और खेतों में दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया। उधर बीजेपी की रैली में नेताओं ने इस हिंसा के लिए टीएमसी और ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। खजुरी में हमारा जो कार्यकर्ता है उसका ऊपर बम चार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। खजुरी में बड़ा तला में फायरिंग हो रहा है, उधर मजना में हमारा ऊपर अत्याचार हो रहा है। सभी संख्या लघु जिहादी को देख के ये चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल शासक दल का एक प्लानिंग है, हम भी चेतावनी दे रहा हूँ। संतरास खत्म करने के लिए और भी बड़े संतरास हम लोग करेंगे, वो संतरास को दमन करने के लिए। बीजेपी ने भी टीएमसी को जवाब देने की चेतावनी दी, यानी संकेत साफ है कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा थमने वाली नहीं है। और उधर कोलकाता में टीएमसी ने एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी की रैली के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ रैली निकाली और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर टीएमसी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। टीएमसी की इस रैली में युवा और महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। पार्टी के झंडे के साथ मार्च करते हुए टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। एक दिन पहले दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी ने रैली निकाली थी और माना जा रहा है कि उसी का जवाब देते हुए टीएमसी ने भी रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। हालांकि रैली का मकसद बीजेपी की रैली के दौरान हुई हिंसा का विरोध करना था। दक्षिण कोलकाता में बीजेपी की रैली के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रैली में शामिल लोगों को काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ता ही पथराव करते नजर आए, लेकिन पार्टी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। तृणमूल को ममता बनर्जी को सारे लोग कॉपी करते हैं, कोई कोई पलटा भी नहीं है, कोई उसका नहीं। हम लोग शांति प्रगति डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग मिशिल कर रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ बीजेपी डेमोक्रेसी में सबका मिशिल करने का अधिकार है। कल बीजेपी ने मिशिल किया था, करने के बाद एक पाड़ा में घुस के सारे आदमियों को पीटा है, मंदिर मस्जिद को तोड़ा है, ममता बनर्जी को फोटो को फाड़ दिया है, उसके अगेंस्ट में सारे लोग आम जनता रास्ता पे है। उधर पुरुलिया में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला और बीजेपी को नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बता दिया। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी पुरुलिया पहुंची थी। जाहिर है उनकी कोशिश दक्षिण बंगाल पर अपना दबदबा मजबूत करना है। वहां उन्होंने खुलकर बीजेपी को निशाने पर लिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रैली के दौरान कुछ लोगों ने हुड़दंग भी किया, जिस पर ममता बनर्जी नाराज हो गयी। है सब तो हम कर रहे हैं, आप वोट बीजेपी के दे दो, जब आएगा तो निकाल देगा, जब आएगा तो भगा देगा, जखन आसबे सरिये देबेन, दिए बोलुन तोमादेर आमरा चाई ना, बीजेपी के चाई ना, चाई ना, चाई ना, बीजेपी के चाई ना, चाई ना, चाई ना। दंगाबाज, लुटेराबाज, गुंडाबाज बीजेपी के एकटी वोटो नय। और इस बीच दक्षिण दिनाजपुर जिले में टीएमसी दफ्तर पर फायरिंग की गई, जिसमें दो कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। गंगारामपुर के सुखदेवपुर में जमीन को लेकर टीएमसी की दो गुटों के बीच में विवाद शुरू हुआ और गोलियां चलने लगी। टीएमसी समर्थक संजीत सरकार नाम के शख्स को गोली लगी। इसके बाद दोनों खेमों के बीच विवाद बढ़ गया। इसमें गंगारामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष जख्मी हो गए, बाद में अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों और कॉम्बैट फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कालीपत सरकार हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर के मरीज थे, इस वजह से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। गुजरात के सूरत जिले में बड़ा हादसा हो गया। गुजरात में सूरत के कोसाबा में एक ट्रक ने फुटपाथ पर सो रही 18 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फीस से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। इन स्कूलों को सत्र 2021-22 से दाखिला कराने का अधिकार नहीं रहेगा।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास सुबनसिरी जिले में गांव बसा लिया है। इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ है। इनमें सारी चू नदी के किनारे 100 से ज्यादा घर दिखाई दे रहे हैं। वेब सीरीज स्टैंड अप को लेकर लखनऊ के बाद ग्रेटर नोएडा में भी FIR दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में अभिनेता सैफ अली खान समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। पहले केशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अमित शाह समेत 6 लोग ट्रस्टी बनाए गए हैं। भारी विदेशी निवेश की वजह से मंगलवार को बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 834 अंक उछलकर एक बार फिर 49,000 के पार चला गया और 49,398 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 239 अंक ऊपर 14,521 पर बंद हुआ। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय का बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लांजू, बीसा और माजा इलाके में गांव का निर्माण कर लिया है। उस गांव में करीब 100 घर बना लिए हैं, जिसकी तस्वीरें US बेस्ड इमेजिंग कंपनी प्लेनेट लैब्स ने जारी की और दावा किया है कि चीन के कब्जे वाले गांव की एक तस्वीर अगस्त 2019 और दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की है। 2019 वाली फोटो में कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में कई घर बने दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक सारी चू नदी के किनारे बसाए गए इस गांव में करीब 101 घर हैं। यानी रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया गया है कि गांव का निर्माण साल 2020 में हुआ है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया गया है कि लांजू, बीसा और माजा इलाका 1962 से भारत में नहीं है, वहां चीन ने कब्जा जमा लिया है, क्योंकि ये इलाके LAC के 4.5 किलोमीटर अंदर भारत में है। नवंबर 2020 में जब ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, तब अरुणाचल प्रदेश से BJP सांसद तापिर गाओ ने चीनी घुसपैठ की चेतावनी लोकसभा को दी थी, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो आसा फिला आज चाइना का कब्जा में है, ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूँ। हालांकि निर्माण अभी भी चल रहा है, क्योंकि दावा है कि चीन ऊपरी सुबनसिरी जिले में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आया है और वो लिंची नदी के किनारे सड़क का निर्माण कार्य करने में जुटा हुआ है। साहब, जिस तरह से रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी रिपोर्ट है ये बात सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि ये जो गांव बसाया है, नया गांव बसा रहा है साइडा ने, ये मैकमोहन लाइन के नीचे में है। लेकिन अंतर इतना ही है कि ये अपार सुबनसिरी जिले के एक सुबनसिरी नदी के एक ट्रिब्यूटरीज है, उसका नाम है लेंची नदी, लेंची रिवर। और मैकमोहन लाइन में लोंगजू है। 1959 में इंडिया और चाइना, इंडियन आर्मी एंड PLA ने आपस में लड़ाई लड़े, उसमें मैक्सिमम चाइना का कैजुअलिटी हुआ। उस लोंगजू के नीचे में बीसा कैम है, एलोंग द लेंची रिवर। बीसा कैम का नीचे में माजा है। लोंगजू, बीसा, माजा 1962 के बाद लड़ाई लड़के इन लोग वापस गए, लेकिन बाद में आके 62 के बाद आज तक सेना का कब्जा में है। ये जो प्रश्न बिंदु जहां गांव बसाने का गूगल सैटेलाइट पिक्चर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी चाइना कब्जा करके 62 से आज तक बिता हुआ है वहाँ चाइना। ये अंतर है। नया आस बसाया है
लेकिन सेना का ऑलरेडी कब्जा किया हुआ जमीन के अंदर में ही ये बसाया, ये गांव बसाना, हमारा जमीन कब्जा करके बेचना, ये हमारा देश के लिए, हमारा अरुणाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। उधर विपक्ष ने अरुणाचल में चीन की चालबाजियों को लेकर मोदी सरकार को लपेटे में ले लिया और ड्रैगन पर एक्शन के मोदी सरकार के दावे को हवा हवाई करार दिया। चाइना ने हिंदुस्तान को दो बार टेस्ट किया है, एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप डालकर टेस्ट किया। वो टेस्ट कर आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि ये इसको आप तूतू मैं करके परे कर सकते। चाइना दूसरी चीज है, चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। चीनी घुसपैठ पर जो चिंता राहुल गांधी ने जताई कमोबेश वही अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गांव की भी, लेकिन उन्होंने अरुणाचल में चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल के सवालों पर तंज कसते हुए मौजूदा हालात के लिए पंडित नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चेताया कि अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम जैसी घटना फिर हो सकती है, लिहाजा केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। पार्लियामेंट में ये भाषण दिया कि वहाँ नॉट इवेन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस इन दैट एरिया, तो इसलिए यूपी का एक बहुत बड़ा मनोभाव महानुभाव एक कांग्रेस का ही नेता थे महावीर जी, इन्होंने अपना टूपी उतार के नेहरू को बोला मेरा माथे में भी बाल नहीं है तो क्या मैं इस माता को काट दूं। उससे लेके राहुल को आज तक जवाब देना होगा, राहुल को इसका भी जवाब देना होगा कि लोंगजू बिसा माजा इसमें 62 से लेके आज तक सेना ने कब्जा करके बेटा, तो आप क्या कर रहा था आपका कांग्रेस सरकार। मोदी जी तो 6 साल ही हुआ ना, 6 साल में 50-60 किलोमीटर टू लेन रोड नहीं बना सकता है, वहाँ आर्मी बेस नहीं बना सकता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं बना सकता है, तो इतना दिन कांग्रेस क्या कर रहा था। इतना ही नहीं, अरुणाचल में एलएसी को लेकर भी तापिर गांव ने बहुत पते की बात कही और बताया कि अगर हम एलएसी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि देश चीन के सामने सरेंडर कर रहा है, जबकि वहां इसे मैकमोहन लाइन कहना चाहिए। हम एलओसी कहेंगे पाकिस्तान के साथ, एलएसी कहेंगे हम लद्दाख में, लेकिन अरुणाचल में गलती से भी एलएसी हम नहीं कहना है। अगर हम अरुणाचल में एलएसी कहेंगे दैट मीन्स वी आर सरेंडरिंग टू चाइना द लैंड दे ऑक्युपाइड सिंस 62 टू टिल टुडे, तो इसलिए अरुणाचल में मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन कब ड्रॉ हुआ, ब्रिटिश इंडिया में हेनरी मैकमोहन ने हिज होलीनेस दलाई लामा जी का रिप्रेजेंटेटिव पालजर दर्जी के साथ शिमला में कन्वेंशन जो एग्रीमेंट हुआ उस समय 1914 में तिब्बत में कहाँ चाइना था। मानो या ना मानो हम मैकमोहन लाइन से ही होगा, मैकमोहन लाइन एक नेचुरल बाउंड्री है फ्रॉम टॉप ऑफ द हिमालयस ऑन वाटर सेट पॉलिसी, जितना हिमालय का उसी पहाड़ है उसा पहाड़ है उसी लाइन से जाएंगे जो नदी तिब्बत तरफ जाती है और जो नदी इंडियन तरफ जाती है उस आधार पे मैकमोहन लाइन को बनाया हुआ है, वो हमारा स्टैंड रहना सही है। तापिर गांव के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और ट्वीट कर चीन से जुड़े मुद्दों पर भ्रम फैलाने का आरोप जड़ दिया। नड्डा ने लिखा राहुल गांधी उनका परिवार और कांग्रेस कब चीन पर झूठ बोलना बंद करेंगे, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जिस जमीन का वो जिक्र कर रहे हैं वहां सहित हजारों किलोमीटर जमीन चीन को किसी और ने नहीं बल्कि पंडित नेहरू ने भेंट कर दी थी। कांग्रेस चीन के समक्ष अक्सर क्यों घुटने टेक देती है। किसान आंदोलन और अरुणाचल के मुद्दे पर किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी के बीच जुबानी तकरार हुई, यह हम आपको